बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर जो हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिक्स की, वो ओवर आर होती हैं, यानी उसके अंदर रियल एंट्रीज़ होती हैं। तो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो कम्प्लेक्स से होंगी। तो उससे पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज इज़ अपटेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कॉन्जुगेट, यानी उसके अंदर जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे, और जब हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो कैसे आता है वो, यानी जहाँ एओटा होगा वहाँ आपने माइनस एओटा रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ये कॉन्जुगेट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एओटा प्लस टू है और उसका माइनस एओटा प्लस टू हो गया, थ्री क्योंकि रियल है इसका कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है, और थ्री एओटा का माइनस थ्री एओटा हो जाएगा, और वन माइनस एओटा का वन प्लस एओटा, तो ये उसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरीके से हम करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, सेम उसी तरीके से डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी हर्मिशियन इफ़ ए का कॉन्जुगेट पहले लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, तो वापस आपके पास उसी तरह की मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन साबित करना है तो सबसे पहले आप उसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो देन आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स हर्मिशियन है। तो मैथमेटिकली इसको एलिमेंट्स के लिहाज से हम पहले चेक करते हैं। डैट इज़ अगर ए आई जे जो है वो बराबर हो जाएगा ए जे आई के कॉन्जुगेट के बराबर फॉर ऑल आई जे, यानी आपने क्या करना है, अगर आपने ए वन टू चेक करना है तो आप ए टू वन की पोजीशन पर उसका कॉन्जुगेट देखेंगे, और अगर ए वन थ्री को देखना है तो ए थ्री वन पर उसका क्या होगा कॉन्जुगेट होगा, तो आपके पास ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर डायगनल एलिमेंट्स को चेक करना है तो आई बराबर हो जाएगा जे के, तो ए आई आई बराबर हो जाएगा ए आई आई का कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कि ए आई आई क्या होगा रियल होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जब कॉन्जुगेट लेते हैं अगर वापस वही चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है वो नंबर रियल है। और इसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसका मतलब है आपके पास जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा रियल होंगे। तो फॉर ए डायगनल में तो आप रियल ले लें, तो जो नॉन डायगनल एलिमेंट है तो देखें ए वन टू पोजिशन पर वन प्लस एओटा है, तो जो ए टू वन पोजिशन पर होगा उसी एलिमेंट का क्या ले लें कॉन्जुगेट ले लें, यानी वन प्लस एओटा का क्या आ जाएगा वन माइनस एओटा, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन है। इसी तरीके से स्क्यू हर्मिशियन को देखें, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ़ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर होगा माइनस ए के, तो इसका मतलब है आपने कॉन्जुगेट लेना मैट्रिक्स का फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वापस में वो मैट्रिक्स आएगी लेकिन साथ माइनस साइन होगा। तो इसकी एग्जाम्पल में देखें, ए आई जे के साथ माइनस लगाएंगे और ए जे आई का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे, ये फॉर ऑल आई जे का मतलब है, यानी नॉन डायगनल एलिमेंट्स के लिए आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास ए वन ए टू टू जो एलिमेंट ए वन टू एलिमेंट जो होगा वो ए टू वन पर उसकी मतलब कॉन्जुगेट होगा और साथ माइनस भी होगा, यानी अगर उधर वन प्लस एओटा है तो इधर वन माइनस एओटा का मतलब हो गया कि उसका कॉन्जुगेट भी होगा साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जो डायगनल एलिमेंट्स में हो गया तो उसमें हम आई को जे पुट कर देते हैं, तो आई को जब जे पुट करेंगे तो आई आई हो जाएगा माइनस ए आई आई बराबर है माइनस प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो उसको जब उधर लेके आएंगे तो ये बनेगा ए आई आई कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए आई आई। अब डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो इटसेल्फ होता है, इसका मतलब है ए आई आई का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो ए आई आई कॉन्जुगेट ही बनेगा प्लस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से किसी भी नंबर को जब हम उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हैं तो इसका मतलब है वो नंबर किसके बराबर है टू टाइम रियल पार्ट बन जाएगा उसका, तो टू टाइम रियल पार्ट बनेगा तो वो ज़ीरो के बराबर है, तो वहाँ से ए आई आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ए आई आई ज़ीरो है, यानी ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट अगर ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है या तो ए आई आई ज़ीरो इसको सेटिस्फाइड करेगा या कोई कम्प्लेक्स एंट्री अगर हम पुट कर दें तो वो इसको मतलब बैलेंस करेगी, यानी लैम्डा आई पुट करें तो लैम्डा आई जमा लैम्डा आई का कॉन्जुगेट तो वो कैंसिल आउट ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है इसकी जो एंट्रीज़ होती हैं या तो वो कम्प्लेक्स होंगी डायगनल एंट्रीज़ या तो वो ज़ीरो होंगी। तो इसमें देखें एग्जांपल, जैसे उन्होंने डायगनल एलिमेंट में ज़ीरो ज़ीरो ले लिया और टू माइनस थ्री एओटा का मतलब है कि आपने टू माइनस थ्री एओटा का जो है पहले कॉन्जुगेट लिया तो वो टू प्लस थ्री एओटा आ गया, तो फिर उसको जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस टू माइनस थ्री एओटा आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें भी आपने वही चीज़ चेक करनी है कि आपने साबित करना है कि ये हर्मिशियन है या नॉन हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, तो उसको क्या करेंगे, आपके पास ए दिया हुआ है एओटा वन प्लस एओटा वन और माइनस एओटा, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, आपने साबित ये करना है
कि ए में ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब जमा करेंगे तो जो मैट्रिक्स हासिल होगी वो हर्मिशियन होगी, और उसी तरीके से ए के अंदर ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जब माइनस करेंगे तो वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। तो हमने पहले ए आपको दिया हुआ है, आप सबसे पहले ए का कॉन्जुगेट लें। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, एओटा की जगह माइनस एओटा रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एओटा वन माइनस एओटा वन प्लस एओटा, फिर इसका ट्रांसपोज ले लें और फिर ए के अंदर ऐड कर दें। तो जब उसको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास आएगा जीरो टू प्लस एओटा और टू माइनस एओटा और जीरो, तो ये क्वेश्चन नंबर वन बन गई। तो इसका जब क्योंकि हमने इसको हर्मिशियन साबित करना है तो आप सबसे पहले इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो उन्होंने पहले कॉन्जुगेट लिया, जीरो टू माइनस एओटा टू प्लस एओटा जीरो हो जाएगा, फिर उसका जब साथ ट्रांसपोज लिया तो वो रोज़ जो है वो कॉलम्स बन गई, कॉलम्स रोज़ बन गई, तो इट सेल्फ वापस इक्वेशन वन की तरह मैट्रिक्स बन गई है। तो बाय वन एंड टू उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इट सेल्फ आ गया, तो यहाँ से साबित हो गया कि ये हर्मिशियन है, और इसी तरीके से आप सक्यू हर्मिशियन भी साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो आपने साबित करना है ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी आपने साबित करना है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है। तो हम दो पार्ट इसके बनेंगे, तो हम पहले लेट करते हैं ए सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो आपने साबित करना है ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक साबित करने के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए स्क्वायर आएगा, तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज कंसीडर किया, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज अलग अलग हो गए, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ये ए स्क्वायर आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, तो यहाँ से साबित हो गया कि ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, हम कहते हैं ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, तो आपने यहाँ भी यही साबित करना है कि ए का जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब है ए के स्क्वायर का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए स्क्वायर आएगा, तो आप उसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज कंसीडर करें, उसको लिखें ए इंटू ए होल ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज हो गए, उनकी वैल्यूज़ माइनस ए पुट की, माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो भी ए स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से भी साबित हो गया कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए, किसी भी चीज़ मैट्रिक्स को आपने हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन साबित करना है तो उस पर डेफिनेशन अप्लाई करके उसको वेरीफाई कर दें।